दोस्तों जब भी हम कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है बिल की। तो दोस्तों जब भी हमारा कोई आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, तो दोस्तों उसे सेल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसके बिल की। क्योंकि दोस्तों बिना बिल के कोई भी आइटम हमारा सेल नहीं हो सकता, तो हमें दोस्तों ज़रूरत पड़ती है उसके बिल की। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा आइटम का जो बिल होता है, चाहे मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, अगर उसका जो बिल होता है वो ख़राब हो जाता है, खो जाता है, तो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे जो लैपटॉप है वो सेल नहीं हो पाता। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने जो मोबाइल या लैपटॉप अपनी मार्केट से खरीदा है तो हम उससे बिल ले आते हैं। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों काफ़ी कंडीशन में हम अपने मोबाइल या लैपटॉप ऑनलाइन परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो दोस्तों अगर उसका बिल हो जाता है तो हम दोस्तों उसका बिल कहाँ से लाएँ, क्योंकि दोस्तों उसका जो बिल होता है वो 7 बॉक्स के अंदर आता है। बट दोस्तों जब बॉक्स में जो बिल हो जाएगा किसी तरीके से और हमें मोबाइल सेल करना है, तो हम दोस्तों उसका बिल कहाँ से लाएं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट का बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे दोस्तों उसका बिल अगेन फिर से उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, जिससे आप अपने मोबाइल को या फिर अपने लैपटॉप को सेल कर सको बड़े ही आसानी से। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि बिना बिल के हमारा कोई भी आइटम हो दोस्तों वो सेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आइटम की दोस्तों जो सर्विस सेंटर, जो हमारी सर्विस होती है दोस्तों, वो बिना बिल के सर्विस सेंटर वाले उसको सर्विस नहीं करते हैं। तो बिल काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल की या फिर लैपटॉप का कोई भी आइटम हो आप उसका बिल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपने वो आइटम ऑनलाइन परचेज किया है तो। दोस्तों मैं आपको पूरा तरीका दिखाने वाला हूँ, बट दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको समझ मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जहाँ से आपने कोई भी आइटम परचेज किया है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजन हो। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको फ्लिपकार्ट का दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन से आपने कोई भी आइटम खरीदा हो सब में दोस्तों प्रोसेस होता है, सेम होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में अपनी आईडी को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। अगर आपके फ़ोन में पहले से आईडी लॉगिन है तो आपको दोस्तों यहाँ पे जाना है 3 लाइन पे। यहाँ जाने का दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहा होगा माई ऑर्डर का, आपको माई ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो भी आइटम खरीदा है वो सारे यहाँ पर सो रहे हैं। तो आपको जिस भी आइटम का बिल डाउनलोड करना है अगर वो खो गया है तो आपको क्या करना है, उसी आइटम पर क्लिक करना है। मैं आपको देखिए दोस्तों इस सैमसंग के फ़ोन का बिल दिखाता हूँ, जैसे जो फ़ोन मैंने ख़रीदा था, तो मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड इनवॉइस का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया है तो डाउनलोड स्टार्ट प्लीज चेक नोटिफिकेशन, तो हमें नोटिफिकेशन देखनी है अपनी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा बिल डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए दोस्तों डाउनलोड मैनेजर में। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये देखिए हमारा जो बिल था दोस्तों वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, यहाँ से आपको इसे प्रिंट निकलवा सकते हो या फिर किसी को व्हाट्सअप करना है, सेंड करना है तो आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों हमारे प्रिंट इस तरह से निकल लिएगा और आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे शेयर भी कर सकते हो, सेंड फाइल पे आके आप व्हाट्सअप वगैरह किसी को भी शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपके फ़ोन में अगर आप किसी भी आइटम का बिल डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आपका बिल खो गया है, चाहे वो मोबाइल हो लैपटॉप हो कोई भी आइटम हो, अगर आपने कोई आइटम ऑनलाइन परचेज किया है तो आप उसका बिल इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और उस अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बिना बिल के हमारा कोई भी आइटम सेल नहीं होता, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो आप अपने ऑनलाइन आइटम का बिल इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और उस बिल को अपने मोबाइल से प्रिंट आउट लगा सकते हो या फिर किसी को शेयर भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने किसी भी आइटम का बिल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपने कोई भी आइटम ऑनलाइन मंगाया है तो कैसे आप उसका बिल डाउनलोड कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो चलेगी, अगर वीडियो चलेगी हो तो सलाह को से जरूर करें और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।